Hi, Sujata Datta, back again with another small tip, a small video. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं बताऊंगी सबसे एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कस्टमर्स पूछते रहते हैं कि जो ओपन होता है वो साइड में होना चाहिए, फ्रंट में होना चाहिए या बैक में होना चाहिए। अगेन, इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो आप ब्लाउज साड़ी के साथ पहन रहे हैं, आप चनिया चोली के साथ पहन रहे हैं या एज अ क्रॉप टॉप पहन रहे हैं विद पैंट्स, शरारा, गरारा एट्सेट्रा। सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स टू इट। तो जनरली जैसे अगर हम लोग साड़ी के साथ पहनते हैं तो फ्रंट में हुक आई हुआ तो भी इट्स गुड, और अगर पैटर्न ऐसा है कि फ्रंट में नहीं दे सकते हैं तो साइड में जिप दे दिया, या पीछे पैटर्न ऐसा है कि पीछे हम लोग हुक आई देना चाहते हैं तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट एज अ क्रॉप टॉप पहनना है या ब्लाउज को अगर आपको लहंगा के साथ पहनना है तो आई वुड एडवाइज़ कि फ्रंट को एकदम नीट रखा जाए, तो फ्रंट में हुक आई नहीं दे तो उससे वो नीट दिखता है, क्योंकि जनरली आजकल दुपट्टा हम लोग साइड में लेते हैं या ट्रांसपेरेंट सा होता है, जैसे नेट का दुपट्टा हुआ या ट्रांसपेरेंट सा दुपट्टा हुआ तो वो फिर सामने हुक आई ज़्यादा रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है। तो उस केस में आप साइड में जिप ले सकते हैं। कुछ कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि हमको पीछे ही हुक लेना रहता है, वो एक डिज़ाइन का पार्ट होता है, सो देन दैट इज़ परफेक्टली फाइन, हम लोग पीछे हुकाई दे सकते हैं। कभी कभी पैटर्न ऐसा होता है कि जैकेट जिप दे सकते हैं तो पीछे हम लोग फुल जैकेट जिप दे सकते हैं। सो ये सब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम लोग किधर ओपनिंग लेना चाहते हैं ब्लाउज़ में। एक और पॉइंट इससे ये है कि अगर हम लोग जिप लगाते हैं तो कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम जिप लगाएंगे तो वो ऑल्टरेशन नहीं हो सकता है, साइड जिप की बात कर रही हूँ मैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग साइड में भी जिप देते हैं तो उसको ईजिली ऑल्टर किया जा सकता है, साइज़ को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि मार्जिन को कंसिडर करके ही जिप लगाया जाता है। तो आज का टिप यही तक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।